मनेंद्रगढ़ जिले के बिहारपुर में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के पीछे मृतक की पत्नी निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मरवा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मनेंद्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बिहारपुर के पास 22 जुलाई को सड़क किनारे एक युवक का शव मिला था। मृतक के सर पर चोट के गंभीर निशान थे। पुलिस ने तुरंत ही हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर मृतक की शिनाख्ती के लिए पोस्ट भी किया। 3 दिन बाद उमा गुप्ता अपने भाई और देवर के साथ मनेंद्रगढ़ कोतवाली पहुंची और शव की पहचान अपने पति वीरेंद्र गुप्ता के रूप में की। मृतक वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ राजपुर के चरगढ़ में रहता था। जैसे ही शव की शिनाख्ती हुई, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की गहन जाँच शुरू की। जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया। हत्या के तार अंबिकापुर से जुड़ रहे थे, ऐसे में विशेष टीम को अंबिकापुर रहवासी विश्वनाथ चौधरी के पास रवाना किया गया। संदेह के आधार पर विश्वनाथ को जब हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि मृतक वीरेंद्र गुप्ता से उसकी पुरानी जान पहचान थी और उसके घर पर आना जाना लगा रहता था। साल 2022 में मृतक वीरेंद्र जेल में बंद था। इस दौरान उसकी पत्नी और विश्वनाथ के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद वीरेंद्र अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था। ऐसे में उमा ने अपने प्रेमी से उसे रास्ते से हटाने को कहा। दोनों ने उसके मर्डर के लिए पूरी प्लानिंग की। 21 जुलाई को किसी निजी काम के बहाने विश्वनाथ मृतक को अपने साथ अंबिकापुर ले गया और वापसी के दौरान बिहारपुर के जंगल में टकिया से वार करके उसकी हत्या कर दी। उमा गुप्ता भी कहने लगी कि मेरा पति आए दिन मुझे परेशान करता रहता था, इसलिए मैं भी इससे प्रताड़ित थी और जब मेरा पति अंदर रहा तो इसके दौरान मेरे बच्चों की देखभाल करने लगा और मेरे घर पे आने लगा तो हमारे आपस में संबंध बन गए। तो जब ये मृतक उमा के साथ मारपीट करता था तो इसको विश्वनाथ को बुरा लगता था कि ये अपनी पत्नी के साथ क्यों मारपीट करता है। तो इसके आपस में संबंध होने के पश्चात इनके द्वारा प्लान किया गया कि मैं इससे बहुत परेशान हूँ, उसको रास्ते से हटाया जाए। तो इसे प्लान के तहत विश्वनाथ घटना के एक दिन पहले 21 तारीख को मृतक को अपने साथ वाहन में लेके किसी बहाने से कि मुझे मेरा निजी काम है जनकपुर चलना है, वो जनकपुर तरफ लेकर आया और जनकपुर से वापस आते समय जब मृतक पेशाब करने बिहारपुर के जंगल में उतरा तो इसने अपने पास जो रखा हुआ हथियार था तंगियानुमा फरसानुमा उससे सीधा इसके गर्दन पर वार किया और जब ये गर्दन पर वार करते ही मृतक जमीन में गिर गया तो इसने 2 वार और उसकी गर्दन के पास और गर्दन से थोड़ा ऊपर किए और उसके बाद में इसने टंगिया को वहीं फेंक दिया। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस की तत्परता से बहुत ही जल्द इस अंधे कत्ल का खुलासा हो गया। मनेंद्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।